अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सात वजूहत जिनकी वजह से आपको फाइवर की गिग्स पे ऑर्डर नहीं मिलते। तो सबसे पहले नंबर पे कुछ लोग जो न्यू वाइज होते हैं वो इंतहाई बुरी और अनअट्रैक्टिव गिग इमेज लगाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कि मैं इसमें सिंपल उसने फोटो लगाई है, मतलब देखने वाला जो है वो भी परेशान हो जाता है कि क्या चीज़ है। तो इसका हल ये है कि आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हायर करें और उससे गिग की फ़ोटो डिज़ाइन करवाएं, और इस पे लगभग 500 रुपये का खर्चा हो जाता है। उसके बाद अनअट्रैक्टिव प्रोफाइल इमेज, आपने कोई भी रैंडम सी इमेज नहीं लगानी प्रोफाइल पे, आप एक प्रोफेशनल इमेज लगाएं ताकि जो भी नया बंदा आए वो आपकी इमेज को देखे और उस पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसके बाद अनअट्रैक्टिव एंड बैड गिग डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग रैंडम सा अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं गिग में, आपका जो गिग होता है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, यूज़र को अट्रैक्ट करे, उसमें आप बताएं कि आप यूज़र का किस तरीके से फ़ायदा करेंगे, फिर जाके वो बाय करेगा। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो फिर तो वो यूज़र बैक का बटन प्रेस करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक गिग की डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसमें वो बता रहा है कि आई एम ओनर ऑफ सिंगापुर एसईओ बेस्ड एजेंसी, और इसमें कोई ख़ास डिटेल नहीं बता रहा, इसमें ये नहीं बता रहा कि इसमें यूज़र को क्या फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास क्लिक्स आ रही हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप की जो डिस्क्रिप्शन है वो कन्वर्टिंग नहीं है, मतलब वो यूज़र को इंगेज नहीं कर रहे। अगर आप एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर हायर करें तो वो आपसे 400-500 रुपया लेगा और आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल मेन टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, जैसे आई विल डू एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। अब इस पे तो लाखों गिग्स होंगी, तो उसको तो पहले नंबर पे रैंक करते ही 5-6 साल लग जाएंगे। तो जो अच्छे लेवल की है वो इस तरह की हो सकती है कि आप एक सब टॉपिक को लें, जैसे आई विल कॉन्फिगर योस्ट एसईओ प्लगइन। तो इस पे रैंक करना और आसान हो जाएगा अगर आप इसे और ज़्यादा डीप चले जाएं और ज़्यादा टाइटल को लंबा कर दें, आई विल कॉन्फिगर योस्ट एसईओ इन 6 आवर्स। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है जो इस तरह की गिग्स होती हैं जिनमें मॉडिफाइज यूज़ हुए होते हैं टाइटल में, और आप सब टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, उन पर ऑर्डर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो न्यू गिग बना के तो उसकी प्राइस जो है वो $20-25 रख लेते हैं, और डिलीवरी टाइम जो है वो 10-15 दिन रख लेते हैं। तो शुरू में हमने ये कोशिश करनी होती है कि प्राइस कम से कम रखें, रेकमेंडेड तो ये है कि आप 5 रखें और डिलीवरी टाइम 1 रखें, और रिवीजन जो हैं उन्हें अनलिमिटेड रखें। उसके बाद एक जो आखिरी मसला है वो ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नीड होती है। अब कुछ लोगों जैसे है, लोगों में अब लाखों लोग जो हैं लोगो बना रहे हैं, इसमें अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और अनटैप्ड जो सब टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वाटर पेंट लोगो या 3D लोगो या इस तरह करके जो सब टॉपिक्स होते हैं उन्हें आपको तलाश करके उन्हें टारगेट करना पड़ता है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि लोगों के 0 रिव्यूज़ होते हैं। अब ये कहना तो नहीं चाहिए, अनएथिकल भी है, लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट थे सबको कम से कम ना 1-2 ऑर्डर मैं देता हूँ, उसके बाद जो उनकी जो गिग है उस पर ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लग पड़ते हैं। तो अगर आप इसे फेक नहीं भी करना चाहते तो आप कम से कम किसी दोस्त को कह दें या किसी रिश्तेदार को कह दें, आप उन्हें कह दें कि मैं आपका काम कर दूंगा, ऐसी चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर वो भी आप किसी तरीके से उन्हें $5 में कन्विंस कर लें तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो मेरी नज़र में कम से कम अगर 10 रिव्यूज़ हों तो फिर आराम सुकून से जो है वो ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, और आपने एक गिग पे नहीं लेने, सारे गिग्स पे लेने हैं। अब कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो जो है वो इसे एक फेक, मतलब फाइवर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि उधर प्रोफाइल पे गया, उधर से ऑर्डर कर दिया और कुछ भी चीज़ उधर से सबमिट ना की और थैंक यू लिख दिया। अब ये जो है ये एक नेचुरल तरीके से होना चाहिए, होना तो इस तरीके से चाहिए जो बायर है वो सर्च से जाए और वहाँ से आपकी गिग ढूंढे और फिर उसे ऑर्डर करे, ताकि फाइवर को भी लगे कि आपकी गिग में कोई ख़ास चीज़ है कि उसने इतनी ज़्यादा रिसर्च की है और फिर जाके आपको ऑर्डर किया, और उसमें आप उसे लॉगिन डिटेल्स दें, वो उसके बदले आपको कोई चीज़ दे। जैसे अगर लोगो का ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें वो लोगो की रिक्वेस्ट करे, आप उसे कोई लोगो बना के सेंड करें, चलो इतना अच्छा नहीं, कम से कम कोई नॉर्मल से बना के सेंड कर दें ताकि वो कम से कम रियल तो लगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इस चेकलिस्ट के ज़रिए ऑडिट करूँगा प्रोफाइल्स का और
काफी ज्यादा प्रोफाइल्स के मसले मसाइल देखेंगे। अल्लाह हाफिज। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।